नमस्कार। टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य। सैदा साहित्य मंडल के तत्वावधान में जनपद के वरिष्ठ हास्य कवि व व्यंगकार श्री उमेश चंद्र श्रीवास्तव मुखर्जी की आवाज पर उनके द्वारा रचित पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ का लोकार्पण व सरस्वती गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिहर पाठक जी व मुख्य अतिथि ख्याति लब्ध कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर कमलेश रायसी मौनाथ भंजन रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर शशिभूषण प्रशांत जी ने पुस्तक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यंग और हास्य में मुखर्जी का कोई सानी नहीं है। मुखर्जी ने बड़ी बेबाकी से समाज के भीतर व्याप्त बुराइयों पर अपनी व्यंग का बाण चलाया है। मुखर्जी हास्य और व्यंग के अद्वितीय कवि हैं। कन्हैयालाल प्रहरी ने कहा कि मुखर्जी की पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ पुस्तक के अनावरण आज हुआ। पुस्तक की प्रत्येक कविता अपने मापदंडों पर एकदम खरी उतर रही है। मुखर्जी ने कि जिस सुचिता से अपने काव्य यात्रा का आशा किया है वह काबिल तारीफ है। अगले वक्ता बजरंग सहाय रवि ने कहा कि आजकल हास्य और व्यंग के नाम पर जो फुलहलपन व दो अर्थी संवाद मचों से परोसा जा रहा है वह साहित्य के लिए घातक है। समाज से ऐसी बातों को नकारेगा जब उसे इसके उलट शुरू हास्य और व्यंग मिलेगा, इसका आजकल नितांत अभाव है। मुखर्जी ने सदैव शुद्ध व परिभाजित लोकलाज से बद्ध रचनाओं का सृजन किया है, इसके लिए मुखर्जी बधाई के पात्र हैं। उनकी पहली पुस्तक प्रकाश में आ रही है, इसके लिए मुखर्जी को कोट कोट साधुवाद। मैं उमेश श्रीवास्तव मेफन इस रचना धरती से जहर को मिटाओ जो मेरी साधना का प्रथम पुष्प है वह आज लोकार्पित हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई प्रहरी जी, प्रशांत जी, सभी लोगों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने कि आज इस अवसर को सफल बनाने की चेष्टा किया और प्रयास किया है और सफल बनाया है। पुस्तक का शीर्षक क्या है और पुस्तक क्या मैसेज मिलने वाला है लोगों? पुस्तक का शीर्षक है धरती से जहर को मिटाओ। धरती से जहर को मिटाओ और जो कुछ इससे मिलने वाला है वह इस शीर्षक में ही छिपा है। धरती से अगर जहर मिट गया तो फिर धरती पर अमृत ही बचेगा। मेरा नाम है अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव, मैं इनका सबसे छोटा सुपुत्र हूँ। आज मेरे पिताजी की किताब का विमोचन है जिसका नाम है धरती से जहर को मिटाओ। आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे साहित्यकार हैं, मैंने साहित्यकारों को देखा भी। पापा की साहित्य की विशेषता ये है कि वो हास्य के साथ व्यंग डाल देते हैं। हास्य के साथ व्यंग डालना बहुत मुश्किल है, जबकि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। हम लोग बहुत अभाव में पले बढ़े, लेकिन उनकी जो साहित्य प्रेम था वो लगातार बना रहा, हमेशा कवियों के बीच में रहे हम लोग। साहित्य से प्रेम भी रहा पापा को, मेरी माता जी का इसमें बहुत योगदान रहा, जिन्होंने पापा के पक्ष पे काम किया। पापा हमारे वकालत करते थे और जो है कि एक संपन्न परिवार से गांव के थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत समझ लीजिए परेशानी में गुजरे। लेकिन पापा की कविता उसी बीच में निकलती गई और इतनी समस्याओं के बाद भी पापा की कविताएं बहुत अच्छी रही। पापा कई बार टेलीविज़न में भी गए हैं, रेडियो में भी गए हैं और बहुत सारे मंचों की सुशोभा भी बढ़ाए। इनकी किताबें बहुत पहले ही प्रकाशित हो गई होती, कुछ स्वास्थ्य के चलते ये कविता प्रकाशित नहीं हो पा रही थी। और आगामी सत्र में आपकी एक और किताब प्रकाशित होगी जो भोजपुरी है। भोजपुरी आप क्या कहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ की भोजपुरी तो मिक्स है, अवधि से मिला के है, तो वो न खड़ी भोजपुरी है न खड़ी अवधि, मिश्रित भाषा में आप कह सकते हैं कि उनकी एक पुस्तक और आएगी, विमोचन उसका भी होगा। अभी तो ये पुस्तक आप देखेंगे इसमें गजब का संदेश है, हर कविता का अपना एक अर्थ है, धरती से जहर को मिटाओ। आज के समय में लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी इसका? बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी